नमस्कार दोस्तों, तो आप सबके लिए लेके आ गया हूँ पल्सर N250 का रिव्यू। यहाँ पर आप देख सकते हो अपने पास है चमचमाती हुई पल्सर N250 दोस्तों। तो इसकी सारी डिटेल आपको देने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर में, इसका प्राइस, माइलेज, इंजन, एवरीथिंग अबाउट दिस व्हीकल। तो वीडियो पसंद आया तो दोस्तों थम्स अप लाइक करना मत भूलिएगा, और एक एक करके मैं आपको इस बाइक की सारी डिटेल देने वाला हूँ। फ्रंट से कुछ लुक ऐसा रहेगा, बहुत ही प्यारा और प्रीमियम लुक इसका है दोस्तों, आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको पल्सर की बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी, और डिज़ाइन वगैरह पूरा चेंज हो गया है दोस्तों। और N250 की बैचिंग यहाँ पर आपको पीछे में देखने के लिए मिल जाएगी। तो हमेशा की तरह दोस्तों की से ही शुरुआत करते हैं, कैसी की इसकी रहने वाली है तो वो बता देता हूँ मैं आपको। तो की कुछ ऐसी रहेगी दोस्तों, क्लासिक सी, बहुत ही बढ़िया और प्यारी सी, यहाँ पर आप देख सकते हो। और इसके ऊपर भी आपको बजाज का लोगो देखने के लिए मिल जाएगा की के ऊपर, और काफ़ी बढ़िया की आपको देखने के लिए मिलेगी दोस्तों। तो एक एक करके सारी डिटेल देता हूँ इसके अंदर क्या क्या फीचर रहेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। तो कुछ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो ऐसा रहेगा दोस्तों, फुल्ली डिजिटल हो गया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, और सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। और ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी आने लगी है इसके अंदर में, और क्या क्या फीचर है, क्या क्या चीज़ें हैं, सारी चीज़ें आपको एक एक करके बताने वाला हूँ इस वीडियो में। तो वीडियो पूरा देखिएगा दोस्तों, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो दो आंखें LED लाइट वाली, और कितनी प्यारी और कितनी शानदार लग रही है दोस्तों, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ से अभी इसको फिलहाल बंद कर देते हैं। तो फ्रंट से कुछ ऐसा लुक रहने वाला है दोस्तों इसका, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आपको अपना नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो अपने LED लाइट्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, पूरी दो आंखों की तरह लग रही है दोस्तों। और यहाँ पर आपको राउंड अपना हेलोजन बल्ब यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जो हेलोजन लाइट है, बल्ब तो नहीं कहेंगे, हेलोजन लाइट यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी राउंड। और बहुत ही प्यारी और प्रीमियम लुक के साथ में ये बाइक आती है, यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर आपको अपने सस्पेंशन शॉकर देखने के लिए मिल जाएंगे ब्लैक कलर में, और यहाँ पर आपको अपना हाइलाइटर देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हो ABS की बैचिंग, डुअल चैनल ABS है इसके अंदर में। ABS मीन्स एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, डुअल चैनल ABS आपको इसमें देखने के लिए मिलेंगे। पीछे भी आपको इसमें जो ये है डिस्क ब्रेक वो देखने के लिए मिलेंगे दोस्तों। काफ़ी बढ़िया और काफ़ी बेहतरीन हो गई ये पल्सर दोस्तों, अब पहले की जैसे नहीं रही है, बहुत अपडेट कर दिया है बजाज ने इसको। और यहाँ पर आप देखोगे तो ये आपकी है ABS की प्लेट, यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ये ब्लैक वाली जो प्लेट होती है ये ABS की होती है, और ये आपकी डिस्क की प्लेट है। तो डिस्क की जो प्लेट है वो भी काफ़ी मोटी है दोस्तों। और अब टायर प्रोफाइल की बात कर लेते हैं, तो टायर इसमें आपको ओरिजिनल MRF के टायर इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। और जो टायर का प्रोफाइल रहेगा यहाँ पर आप देख सकते हो 110, 70, 17 के आपको इसमें बड़े टायर इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे। और टायर की ग्रिप की बात करूँ तो काफ़ी बढ़िया ग्रिप के साथ में ये टायर आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पर आपको अपना रेडिएटर देखने के लिए मिल जाएगा जो गाड़ी को ठंडा करता है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको फ्यूल टैंक के ऊपर पल्सर की बैचिंग देखने के लिए मिल जाएगी दोस्तों। अब मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी दिखा देता हूँ, उससे पहले मैं आपको एक बार इसका 360 व्यू दे देता हूँ। तो पीछे से कुछ ऐसा लुक रहने वाला है दोस्तों बाइक का, बहुत ही प्यारा और प्रीमियम। और एक बार मैं आपको फ्रंट से भी दिखा देता हूँ, तो फ्रंट से कुछ ऐसा लुक रहेगा, ये आप देख सकते हो दोस्तों। और अब मैं आपको इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिखाता हूँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कुछ ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर रहने वाला है दोस्तों। और इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके बताने वाला हूँ। यहाँ पर आपको टाइमिंग वगैरह दिखाएगा, उसके बाद में यहाँ पर आपको ABS दिखाएगा, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ पर आपको TC जो दिखा रहा है वो है ट्रैक्शन कंट्रोल, ये बहुत बढ़िया फीचर है ट्रैक्शन कंट्रोल। और आप इसमें अपना मोबाइल ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में अटैच कर सकते हो, और यहीं से आप अपने मोबाइल को पिक कर सकते हो। यहाँ पे आपको अपने डिजिटल उसके सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के, यहाँ पर आपको सारे कंट्रोल्स देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। और यहाँ से आप अपना ये देख सकते हो हाई बीम, लो बीम, और यहाँ से आप अपना सब कुछ कंट्रोल कर सकते हो, ये देख सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा स्विच, तो यहाँ से आप सारा कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना इंडिकेटर्स देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके बाद में यहाँ पे आपको अपना हॉर्न मिल जाएगा, यहाँ पे आपको अपना पावर स्विच मिल जाएगा, गाड़ी को स्टार्ट करने का पावर स्विच, अभी गाड़ी न्यूट्रल में है यहाँ पर आप देख सकते हो। और उसके बाद में आपको अपने सारे फीचर्स वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें देखने के लिए मिल जाएगी, और पावर स्विच आपको नीचे में देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको
हैंडल जो प्रोफाइल रहने वाली है दोस्तों वो भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पर आप देख सकते हो हैंडल प्रोफाइल, और यहाँ पर आपको अपने ORVMs देखने के लिए मिल जाएंगे। ये आप देख सकते हो दो ORVMs यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, काफ़ी बढ़िया और काफ़ी ज़बरदस्त। यहाँ से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हो USB कनेक्टर यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और यहाँ से आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हो। यहाँ पे आपको बैटरी का सिंबल भी दिखा रहा होगा। उसके बाद में ये जो है दोस्तों E20 वाला लेटेस्ट मॉडल है, यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ से इसको ओपन करके आप एक्सेस कर सकते हो। तो एक बार मैं दिखा देता हूँ फ्यूल टैंक कैसा क्या रहने वाला है। तो यहीं से आप इसको फ्यूल टैंक को भी एक्सेस कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से इसको आप ओपन कर सकते हो। ये कुछ ऐसा फ्यूल टैंक इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों, ठीक है। और अभी इसको फ़िलहाल यहाँ से बंद कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। यहाँ से ये हो गया बंद, और इसको की को यहाँ लगा देते हैं। तो ये देख लीजिए दोस्तों, और काफ़ी बड़ा फ्यूल टैंक आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों जो फ्यूल टैंक रहेगा वो भी काफ़ी बड़ा है, 14.5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। 14.5 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक देखने के लिए मिलेगा। तो फ्यूल टैंक तो काफ़ी बड़ा है दोस्तों, काफ़ी लंबी दूरी आप यहां से तय कर सकते हो, मतलब कि काफ़ी बढ़िया दूरी आप मेंटेन कर सकते हो, क्योंकि 14.5 लीटर का फ्यूल टैंक आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। और इसका जो माइलेज है वो भी काफ़ी बढ़िया है दोस्तों, आराम से आपको ये 35 का माइलेज सिटी के अंदर निकाल के दे देगी ये बाइक। और हाईवे के ऊपर आप इसको लेके जाओगे तो आपको 40 तक का भी माइलेज ये गाड़ी निकाल के दे देगी दोस्तों। तो माइलेज भी काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार है। तो फ्यूल टैंक मैंने आपको बता दिया, उसके बाद में अब सीट की क्वालिटी बात कर लेते हैं दोस्तों हमेशा की तरह। तो सीट भी काफ़ी कंफर्टेबल और काफ़ी बढ़िया यूज़ किया गया मटेरियल, और आप देख सकते हो सीट में पूरा ऐसे स्लॉप है दोस्तों। तो यहाँ पे जो बंदा बैठेगा वो आराम से कंफर्टेबली बैठेगा, और जो पीछे बंदा जो बैठेगा उसकी थोड़ी हाइट ज़्यादा रहेगी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो इतना गैप है। उसके बाद में यहाँ पर पीछे की जो सीट है पूरी उठी हुई है, क्योंकि ये स्पोर्ट्स बाइक है तो उसी हिसाब से इसको डिज़ाइन किया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे तो N250 की बैचिंग यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगी, क्योंकि ये 200cc की बाइक है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अपने पीछे के शानदार टेल लैंप देखने के लिए मिल जाएगा, बहुत ही बढ़िया और शानदार। और ये भी एकदम H की शेप में दिया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हो पूरा, और काफ़ी बढ़िया और काफ़ी शानदार टेल लैंप आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। और यहाँ पर आप देखोगे तो अपने नन्हे मुन्ने से इंडिकेटर्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, छोटे छोटे इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। और ये जो है पूरी हार्ड प्लास्टिक है दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर भी आपको एक मरगाट देखने के लिए मिलेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सा हार्ड प्लास्टिक का मरगाट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। और साइलेंसर अब पहले से काफ़ी छोटा हो चुका है, यहाँ पर आप देख सकते हो साइलेंसर इतना छोटा कर दिया है। यहाँ पर आपको ये साइलेंसर देखने के लिए मिल जाएगा, और उसके जो एग्जॉस्ट नोट रहेंगे वो दो रहेंगे दोस्तों, दो पाइप आपको देखने के लिए मिलेंगे एग्जॉस्ट के। और यहाँ पर आप पीछे के टायर को देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको ABS देखने के लिए मिलेगा, ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम। और यहाँ पर आपको अपनी डिस्की प्लेट देखने के लिए मिल जाएगी, और पीछे का जो टायर है काफ़ी बड़ा और काफ़ी मोटा टायर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। ये आप देख सकते हो काफ़ी चौड़ा टायर आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा, ये आप देख सकते हो दोस्तों MRF का ओरिजिनल टायर है। और पीछे का जो टायर की प्रोफाइल रहेगी वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों 17 इंच का टायर मिलेगा, और 140 इसकी चौड़ाई है दोस्तों, 140 mm। और वहाँ पर आपको अपना सस्पेंशन देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको अपना हॉर्न देखने के लिए मिलेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हो इंजन को पूरा कवर किया गया है, ये डिज़ाइन काफ़ी बढ़िया दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है। और 250cc की बैचिंग आपको इसके ऊपर जो ये है दोस्तों टैंक के ऊपर देखने के लिए मिल जाएगी। और डिज़ाइन की बात करूँ तो काफ़ी क्लासिक डिज़ाइन है इस बाइक का, ये आप देख सकते हो दोस्तों। और 14.5 लीटर का आपको इसमें फ्यूल टैंक देखने के लिए मिल जाएगा। तो मैंने आपको इसका माइलेज भी बता दिया, और जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है दोस्तों फुल्ली डिजिटल है, ठीक है, और सारे फीचर वगैरह सारी चीज़ें बता दी। एक बार मैं आपको स्टार्ट करके इसका क्लासिक सा साउंड भी सुना देता हूँ, कैसा क्या साउंड रहने वाला है। तो यहाँ से आपको ईजिली कुछ नहीं करना है, पावर ऑन करना है, और यहाँ से आपको गाड़ी को स्टार्ट कर देना है, तो कुछ साउंड ऐसा रहेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, उसके बाद में मैं अब आपको इसका, अब दोस्तों मैं अब इस गाड़ी का आपको एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस बता देता हूँ, इसका एक्स शोरूम और ऑन रोड प्राइस कितना आपको पड़ने वाला है, ठीक है। अलग अलग स्टेट में थोड़ा बहुत डिफरेंस आ सकता है दोस्तों, बट लगभग स्टेट में सब में लगभग सेम ही रहता है। थोड़ा बहुत डिफरेंस अलग अलग स्टेट में इसलिए आता है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग स्टेट का रोड टैक्स जो होता है वो डिफरेंट होता है, वो चीज़ है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास में पूरी लिस्ट है,
यहाँ पर आप देख सकते हो सारी डिटेल है मेरे पास में प्राइस की। तो यहाँ पे 23 पे है पल्सर N250 UG दोस्तों। तो एक्स शोरूम जो इसका प्राइस रहेगा दोस्तों 150,000 का आपको एक्स शोरूम ये पड़ जाएगा। उसके बाद में रोड टैक्स जो रहेगा दोस्तों वो रहेगा 50,000 का। यहाँ पर आप देख सकते हो इंश्योरेंस वगैरह सारी चीज़ें मिला के, और उसके बाद में 2,700,000 रुपये की आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। 2,07,000 की ये आपको ऑन रोड पड़ने वाली है बेंगलोर कर्नाटक के अंदर में दोस्तों, ठीक है। 2,07,000 की ये आपको ऑन रोड पड़ जाएगी। और ये जो शोरूम है दोस्तों परवीन मोटर्स है, परवीन मोटर्स क्यारपुरम दोस्तों। तो यहाँ कांटेक्ट कर सकते हो आप, यहाँ के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, तो इजीली आप कांटेक्ट करके टेस्ट ड्राइव वगैरह ले सकते हो और सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हो। और इस पर कुछ ऑफर वगैरह चल रहा है तो भी उससे भी उसकी भी जानकारी आप ले सकते हो सर के साथ में, ठीक है। तो दोस्तों अभी मैंने जो सेल्स एग्जीक्यूटिव सर है उनसे बात की दोस्तों, तो इसके ऊपर, इस बाइक के ऊपर अगर आप यहाँ से लोगे तो आपको एक हेलमेट फ्री मिलेगा बाइक के साथ में। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे लगी, क्योंकि लगभग हेलमेट जो होता है वो भी 2000 के आसपास का होता है बढ़िया क्वालिटी का। तो एटलीस्ट आपको हेलमेट तो एक मिल ही जाएगा। तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर मैंशन कर दूँगा सर के, ठीक है। और बाइक ओवरऑल आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।